अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। बदलापुर महोत्सव में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी द्वारा दिया गया बयान अब मुद्दा बन गया है, इस पर सियासत शुरू हो गई है। मीडिया एवं विपक्ष के लोगों ने भले ही इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन उनकी ही पार्टी के अपने लोग इसे सियासी मुद्दा बनाकर खुनाने में लगे हुए हैं। वीडियो क्लिप लेकर पार्टी कार्यालय से लेकर मीडिया हाउस तक का चक्कर काट रहे हैं। मीडिया ने तो इसे मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन हास्य कलाकारों ने इसे मसाला बना लिया। सांसद का बयान कॉमेडी शो का हिस्सा बन गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा था, फिर हम आगे बात करते हैं। और माननीय विधायक जी बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। माननीय विधायक जी इतने चतुर खिलाड़ी हैं कि अब इनसे हमको ये पता करना है, महोत्सव के बाद जो बचेगा, महोत्सव के बाद जो बचेगा वो उसमें हम लोगों को कितना कितना मिलेगा वो बताने का आप काम करिएगा। मैं माननीय विधायक जी से ही चाहती हूँ, आपने हम लोगों का सम्मान करके मान बढ़ाया और हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं कि जो आपको मिले हम सबको दे। अरे कम कहाँ पड़ेगा, जहाँ पर हमारे भाई रमेश जैसे बम्बई से आकर के बैठे हों, जहाँ पर हमारा पूरी सरकार लगी हो, जहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी का इतना लंबा प्रयास लगा। राज्यसभा सांसद द्वारा दिया गया यह बयान आम जनमानस, मीडिया एवं विपक्षियों ने भले ही महज मजाक समझकर टाल दिया हो, लेकिन उनकी पार्टी के लोग इसे मुद्दा बनाकर भुनाना चाहते हैं। यद्यपि यह तो दुनिया जानती है कि रिश्वत एवं कमीशन में हिस्सा मंच से पब्लिक प्लेस पर नहीं मांगा जाता। सभी समझते हैं कि राज्यसभा सांसद के द्वारा मजाकिया लहजे में यह कहा गया था, लेकिन स्वयं को बुद्धिजीवी कहने वाले लोगों ने इसे मुद्दा बना लिया और इसे भुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन यह पब्लिक है साहब, सब जानती है और आपके मंसूबे को बाखूबी समझती है। फिलहाल जब भी एक ही दल के नेतागणों में वैचारिक मतभेद होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, निश्चित ही पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है और इसका लाभ विपक्ष को आसानी से मिल जाता है। देश प्रदेश पूर्वांचल अवस्थित प्रमुख खबरों के लिए अखंड दर्पण न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।